हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई भी बहुत बढ़िया है। अजीम V3 राइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई लोगों, अभी हमने थोड़ा सा अपडेट कर दिया अपनी बुलेट में। अब वो बुलेट हो गई है हिमालयन प्लस क्लासिक इज इक्वल टू बुलबुल, मतलब हमारी बुलेट। तो भाई लोगों, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कुछ किस तरह से किए, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है देखना। अभी कुछ लोगों की निगेटिव कमेंट भी आ रही हैं, कुछ लोगों की, क्योंकि सब कुछ सब लोगों को अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं रोक रोक के कि भाई एकदम चेंज कर दी, बहुत क्लासिक लग रही है, बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त। कुछ लोग कह रहे हैं भाई यार कहाँ पे ऐसा बर्बाद कर दिया। तो ऐसे सीन हमारे साथ हो रहा है, पर कोई बात नहीं। ये निगेटिव तो हर किसी को कमेंट मिलती हैं, हर किसी को कोई, भाई ये तो है ही, ये दुनिया है, इसका नाम दुनिया है। तो भाई इसको छोड़ो, आप इस तरह देखो, कुछ इस तरह से दिख रही है अपनी बुलबुल। आप देखो अलग ही एकदम, समझ में नहीं आ रही साली क्या मतलब है क्या। देखो भाई ये देखो भाई, ये वाइजर, हैंड बार, लाइट, पीछे बैकग्राउंड, ये बहुत ही बढ़िया है भाई। बहुत कंफर्ट दिया इसने आते में, अभी हम दिल्ली गए थे, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट निकला है इसका। ये बैग रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा लंबे टूर के लिए परफेक्ट हो गई है एकदम। साइड के बैग वगैरह रह गए हैं, वो अभी लाए नहीं है, जब लाएंगे जब दिखाएंगे आपको। तो अभी कुछ इस तरह से लग रही है भाई गाड़ी, ऊपर से देखोगे ना भाई, ये आदमी चलाते में समझ नहीं सकते चला क्या रहा है, हिमालयन चला रहा है या क्लासिक चला रहा है। ये चार्जिंग बूट बढ़िया एकदम हो गया है, चार्जिंग कर भी रहा है, ज़बरदस्त कर रहा है चार्जिंग। मैं आपको दिखाता हूँ, चार्जिंग कर रहा है, काम भी कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। अभी मैं यही देख रहा था कैसा कर रहा है, काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये भाई लाइटिंग, लाइट के तो भाई क्या ही कहने हैं, ज़बरदस्त लाइट है, ये देख सकते हो आप। अभी ऐसे में भी ये पड़ रही है, और इसकी ये बिलिंग वाली तो भाई जहर काट रही है एकदम। ये दो तरह की है भाई, एक वाइट है और एक ये येलो है। ये देखो बिलिंग में है क्या, रात में कुछ जहर कर रही है। रात का मैं व्यू दिखाऊंगा आपको। अभी ये वाली ज़्यादा वाइट से ज़्यादा ये बेस्ट लगी मुझे रात में, क्योंकि ज़बरदस्त चल रही थी एकदम। रात में मैंने यूज़ करा हाईवे पे इसे, ज़बरदस्त चल रही थी। तो भाई तो ये है कुछ सीन। और ये भी भाई ने बढ़िया करके लगाया है, मुझसे पूछा उन्होंने कि भाई थोड़ा लोकल में चाहिए या थोड़ा हैवी चाहिए। मैंने कहा भाई ज़बरदस्त लगा दो एक ही दफ़ा में, बार बार रोने से बेहतर है एक बार अच्छा लगा लिया जाए। तो भाई ये उन्होंने बताया भी, एक बंदा बिठा कर भी दिखाया उन्होंने, बोला भाई इस पर बिठा कर देख लो आप कि इतना लगेज आपका ये सहन कर सकती है। क्वालिटी में देख लो, क्वालिटी ज़बरदस्त थी। एक थोड़ा लोकल भी था वो मैंने पढ़वाया नहीं। अब इसमें ये इन्होंने सपोर्ट के नहीं दे रखा है ताकि इसके नीचे को आए नहीं है। तो भाई टायर तो मैंने पहले पढ़वा दिए थे, अब वैसे तो रेडी है अपनी एकदम बढ़िया राइड के लिए, लंबी दो लॉन्ग राइड के लिए कहीं जाना चाहे, जैसे कि अपना अभी तो फ़िलहाल नैनीताल का बन रहा है, अभी जाएंगे इंशाल्लाह एक दो दिन में। तो भाई ये वाइज़र फिट होने में बहुत दिक्कत रहा इसने, क्योंकि ये दूसरी का है, इस पर हमने कराया है। तो अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है भाई, ये थोड़ा हिल विल रहा था तो मैंने इसलिए बीच में ये इन्होंने भैया ने ये कर दिया है और इसको थोड़ा सा बैंड किया, तब जाकर ये थोड़ा फिट हुआ, हो नहीं रहा था। और ये थोड़ा सपोर्ट हिलने विलने की वजह से ये इन्होंने थोड़ा सपोर्टिंग के में दे दिया है, सपोर्टिंग में दे दिया है इस वजह से, ताकि ये हिलने विले नहीं, दिक्कत नहीं हो इसमें थोड़ी सी बहुत परेशानी में। और ये तो मैंने आपको पहले ही मेरी वीडियो में देखा होगा आपने, ये पहले से लगा हुआ था। ये भी ये अप्रोक्स कोई फ़िलहाल खर्चा भरपूर हो गया है भाई इसमें, ये 1200 के तकरीबन पड़ा था। ये वाइज़र अगर आप ओरिजिनल कहीं से भी लोगे 750 के तकरीबन आ जाएगा, मगर ये छोटा वाला जो है ना, ये भाई बहुत यकीन नहीं मानेंगे आप, ये 1200 रुपये का, मतलब छोटा वाला महंगा है, ये 1200 रुपये का पड़ा है भाई। ये कुछ अप्रोक्स मेरा आइडिया 1750 के आसपास ये पड़ा। टायर हमने पहले ही आपको बता दिया था, टायर चेंज हो गया है पिछला वाला। ये लाइट्स, ये जो लाइट है ना भाई, ये लाइट पड़ी है 1200 रुपये की। हाँ हाँ भाई 1200 रुपये की, मगर क्वालिटी है भाई, ये बात माननी पड़ेगी, क्वालिटी दी है भाई ने। और जबकि मैं करोल बाग जाकर ये करा कर लेके आया हूँ, तब जाके हुआ ये। आप कोई मानता नहीं है क्या, बोला हाँ हम कह देते हैं हाँ भाई ये जितने की सोच रहा है इतने की है। जैसे इंजन की सपोर्ट के लिए ये था, तो भाई ये भी 3200 रुपये का था। किसी को बताओ तो वो यकीन नहीं करता, कोई ज़रूरत नहीं यकीन करने की। जो जो चलाता है ना इसे, वो जानता है कि इसकी
पार्ट्स वाकई एसेसरीज की बहुत महंगी है, पर कोई नहीं, हमने तो भाई अपनी राइड करनी है, बढ़िया करके जर्नी है। तो भाई इस चक्कर में ये हुआ है, थोड़ा सा थोड़े थोड़े धीरे धीरे मैं भी पैसे लगा रहा हूँ, एकदम लगाऊंगा मुझे भी भारी लगेंगे, तो इसलिए मैंने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया इस पर। पहले वाइज़र लगवाए, फिर टायर चेंज कराए और सर्विस कराई, उसके बाद ये ऊपर का ये लगाया वाइज़र वगैरह, क्योंकि यहाँ किसी से फिट नहीं हो रहा था, दिक्कत यहाँ आ रही थी फिटिंग में, इसकी बहुत दिक्कत आ रही थी। अब तो खैर कोई भी देखकर बना देगा, वो बेचारे शुरू से ही करके देख रहे थे ना, इसमें फिटिंग नहीं बैठ रही थी। फिर लाइट का भी मसला था, लाइट के बोल्ट इसमें बहुत छोटे छोटे हैं, तो इस चक्कर में उन्होंने ना रोलर ड्रिल करके ये काम किया है। दानिश भाई था उनका, करोल बाग में थे भाई एक, उन्होंने किया है। अभी हमारा ये V3 राइड चुप गया है अंदर, पर कोई नहीं, अब इसे बाहर निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ कराएंगे इसमें, यहाँ लिखवा देंगे या कहीं भी। पर यार अब राइड हो, ये गाड़ी हो गई तैयार, अब कहीं ना हाँ, अब एक दिक्कत, एक कमी रह गई है, वो कमी ये रह गई है, हमें हमारे मिरर नहीं है, वो मिरर थोड़े अलग वाले स्पेशल वाले मंगवाएंगे, क्योंकि वो वाले मुझे अच्छे नहीं लगते थोड़े बहुत भी, ये है मसला। वो वाले यार थोड़े फेले वो होते हैं, लग जाते हैं, किसी की दिक्कत आती है, तो वो सीन हमें चाहिए नहीं बिल्कुल भी। तो भाई मैं आप लोगों को ये देखो, आप आइडिया नहीं लगा सकते यहाँ से ये गाड़ी कौन सी है, वाकई देखो भाई कुछ इस तरह से व्यू आ रहा है इसका, ज़बरदस्त। आदमी बैठ कर ना, बैठ कर बिल्कुल अलग ही फील कर रहा है इस पर, क्या चला क्या रहा है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा वो 10 बॉक्स, अभी वो घर पर रह गया है मेरे, बतलाया नहीं यार मैं, वो फिर कभी दिखा दूँगा आपको किसी राइड पर। तो फिलहाल यहाँ 10 बॉक्स आ जाएगा, तो फिर यहाँ से बिल्कुल भरपूर वाली बढ़िया एकदम ज़बरदस्त लेगी यहाँ से। और ये जो सपोर्ट लगे ना भाई, आप देख सकते हो, मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से सीन बन रहा है भाई, ये सीन बन रहा है कुछ यहाँ पर, जब ये आएगा ना तो भाई ये कुछ इस तरह से दिखेगा भाई। ये अभी ये ज़बरदस्त लग रही है भाई, ये है अपनी बुल, बहुत लाड प्यार से रखा जा रहा है इसे इस वक्त। तो भाई अब मैं दिखता हूँ आपको, एक राइट पर चलाते हुए थोड़ी सी मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि चलते हुए लग कैसी रही है, कुछ मज़ा भी इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भाई लोगों आप सब मिलकर बताइएगा कि मतलब किस तरीके से, कुछ अच्छी भी लग रही है, नहीं लग रही है, कुछ कमी रह गई हो तो बताइएगा, अभी जैसे भी है जब तक के लिए। भाई अब मिलता हूँ मैं आपको राइट पर। वेलकम बैक दोस्तों, तो आपको ओवरव्यू दिखा दिया है मैंने बुलेट का भाई, अपनी बुलबुल का। तो हिमालयन प्लस क्लासिक इज इक्वल टू बुलबुल, अपनी वाली अभी फिलहाल तो यही बोल सकते हैं। तो भाई लोगों अभी ना मैंने इसलिए थोड़ा आराम से वो कराया है, ज़्यादा एकदम अपडेट नहीं किया है उसको, ऐसा नहीं हो कुछ इलीगल लगे और फिर बाद में मेरी बुलेट वगैरह कहीं हाथ दी जाए, मैं वो बिल्कुल सीन चाहता नहीं कि साला यार कहीं अच्छे से राइड पर जा रहा है और मूड ख़राब हो रास्ते में, वो वाला सीन नहीं है। सब देखते हुए लीगल है सब जो भी लगा हुआ है मेरे आइडिया से, बाकी देखेंगे कहीं पकड़ी जाएगी तो, बाकी तो ओके है फिलहाल भाई। और वीडियो आप बता देना भाई, अभी जैसे मुझे पता है ज़्यादा खास वीडियो नहीं बन रही है, जैसे भी बन रही है भाई तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। और भाई जैसे सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, पिछली वीडियो में अच्छे खासे व्यू आए हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं मेरे लिए बहुत हैं, अभी लोग कहेंगे इतने भी नहीं आए हम, मगर मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उसके ऊपर व्यूज हैं, यही अल्लाह का शुक्र है। ये लोगों वो खड़ी अपनी बुलबुल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट भाई करना ना भूलें, जैसा भी है और कोई कमी रह गई हो कमेंट करें भाई, अच्छे से अच्छा करेंगे जितनी कोशिश हो सकेगी। और जल्दी एक अच्छी राइड पर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।